बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। प्यारे बच्चों, हम सिल्वर निटिंग नीडल्स की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और आज हम इसमें करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे कि एक सेंटेंस जो है उसके क्या पार्ट्स होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है। इसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर। मोस्ट सेंटेंसेस कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और उनको एक खास ऑर्डर के साथ लिखा जाता है। व्हाट वर्ड्स? वर्ड्स दैट रेफर टू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है? पर्सन आर थिंग कैरिंग आउट एन एक्शन। अमल करने वाले फर्द या चीज को सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या है? पहले भी हम देख चुके हैं कि द वर्ब इज द एक्शन वर्ड। अमल या एक्शन को वर्ब कहते हैं, यानी जो वर्ड हमें बताए कि क्या अमल हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग इन्वॉल्व इन द एक्शन बट नॉट कैरिंग इट आउट। वो फर्द या चीज जो शामिल तो होती हो पर खुद अमल ना कर रही हो ऑब्जेक्ट कहलाती है। हम एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अमल जो है वो गवाही देता है लफ्जों से ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं तो हमारे अमाल हमें दुरुस्त करने की जरूरत ये है। हम झूठ ना बोलें, हम रहम दिल हों, अपना हम नाप तोल में कमी ना करें। तो आप अल्लाह की किताब तर्जमे से पढ़ें और अपने अमाल को दुरुस्त करें। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में सीक्वेंस क्या होता है। इसको कहते हैं SVO, यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही राइड्स अ बाइसिकल, तो आपने देखा कि इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, राइड वर्ब है और बाइसिकल ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे स्टडी इंग्लिश, तो सब्जेक्ट हो गया दे, स्टडी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखें, द डॉग लव्स इट्स बोन, कुत्ता अपने हड्डी से मोहब्बत करता है, तो इसमें भी SVO है। अब ये प्लूरल है, द डॉग्स लव देयर बोन्स। तो हमने हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर के लिए होना चाहिए और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल से मैच करना चाहिए। तो इसका एक सिंपल रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। लेट्स प्रैक्टिस। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, जुमले जो कि आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। तो पहला सेंटेंस है दीज शूज हर्ट माई फीट। तो आप यहाँ पे स्टॉप करें वीडियो को, खुद से अपनी कॉपी पेंसिल से लाइन लगाएं कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो दीज शूज हर्ट माई फीट, तो आप देख रहे हैं शूज सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है और फीट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द हैन लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है। यहाँ पे भी आप इसको वीडियो को स्टॉप करें, खुद से सोचें कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट, और ये आपके सामने उसका आंसर है। हैन सब्जेक्ट है, लेज वर्ब है और एग्स ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन ईट एप्पल्स, बच्चे सेब खाते हैं। तो यहाँ पे भी आप वीडियो को स्टॉप करें, खुद से सोचें एस कौन सा है, वी और ओ, फिर इसका आंसर देखते हैं। द चिल्ड्रन ईट एप्पल्स में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और एप्पल्स ओ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आवर प्रिंसिपल कम्स बाय बस, हमारे प्रिंसिपल साहब बस के जरिए आते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करें, खुद से इसके आइडेंटिफाई करें कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये इसका आंसर है। प्रिंसिपल है सब्जेक्ट, कम्स वर्ब है और बस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। तो यहाँ पे भी आप इसको स्टॉप करें, खुद से तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और फिर इसका हम आंसर चेक करते हैं। कैट सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है और मिल्क ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल सिंग द सॉन्ग, लड़कियाँ गाना गाती हैं। तो यहाँ पे भी आप इस वीडियो को स्टॉप करें, खुद से अपने मार्क करें इन तीनों चीज़ों को और फिर हम इसका
आंसर देखते हैं, द गर्ल्स सिंग द सॉन्ग। गर्ल्स सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, महमूद लाइक्स हिज टॉयज। महमूद अपने खिलौनों को पसंद करता है। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और इसके बाद देखें कि इसका खुद से आइडेंटिफाई करें। तो महमूद सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और टॉयज ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें, इस सेंटेंस को, इसके पार्ट्स को खुद से आइडेंटिफाई करें और फिर हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और ऑब्जेक्ट बुक्स है। उम्मीद है कि आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।